हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हिमलता। आज हम करेंगे 10 नंबर और 9 नंबर के कार्ड्स को, 9 नंबर और 10 नंबर के कार्ड को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले दूसरे वाली वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कार्ड्स को कैसे रीड करना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं और कुछ बातों को मुझे हमेशा रिपीट करना पड़ता है। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में डालिए, ताकि मैं उसका जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसमें आपके क्वेश्चंस को साथ में वीडियो में ले सकूँ। व्हाट्सएप पे करेंगे आप तो भी मैं आंसर करूँगी, लेकिन अगर आप कमेंट में करते हैं तो मैं वहाँ से सारे क्वेश्चंस ले सकती हूँ वीडियो के लिए। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड देखिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 से 10 तक का हमारी खुद की जर्नी होती है, उसके बाद जो फेस कार्ड होते हैं वो हम दूसरी पर्सनैलिटी जो हमारी लाइफ में है उनके बारे में होता है। तो अब हम अपनी जर्नी पर आ गए हैं, ठीक है। हम अब अपनी जर्नी पर हैं तो अब हम देखते हैं पहला कार्ड जो है डायमंड का है। देखिए डायमंड का 10 कार्ड यस बताता है। पहले मैं आपको यस नो बता दूं, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने तो, और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं मुझसे तो मैं उसका थोड़ा सा चार्ज लूँगी, आप ले सकते हैं। तो यस, तो जो 10 है वो डायमंड का यस है, और जो क्लब का कार्ड है जिसको हम चिड़ी भी बोलते हैं इसमें, वो नो कहता है, यस नो रीडिंग में आपका आता है। तो और जो हार्ट है 10 का वो आपको यस बोल रहा है, और जो स्पेड है वो नो बोल रहा है, ठीक है, यस नो रीडिंग में आता है। तो आपको शायद ये ब्लैक के ऊपर वाइट, ये ना ये मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यस है, यस नो। मैं एक वीडियो लास्ट में यस नो की भी बनाकर आपको चार्ट बनाकर दे दूँगी, ऐसा होगा। और अगर आप नोट्स लेते हैं तो उसमें तो है ही। खैर अब हम आगे आते हैं 10 के कार्ड पे। देखिए मैं यहाँ पर नोट्स या ये कार्ड्स की अगर बात करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेना ही है, क्योंकि अगर जैसे कई लोग नोट्स बनाते हैं, मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जीबू सिंबल की क्लास है, बहुत सारी क्लासेज हैं, कई लोगों ने उसके नोट्स खुद बनाए हैं। मेरे पास अभी नोट नहीं है इसके, लेकिन क्योंकि मैंने उनके नोट्स लिखे नहीं थे तो मैंने उनको बोला कि आप खुद लिखो, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों का मैसेज आता है कि आप नोट्स बना कर दो, भले पैसे लो। लेकिन मैंने अभी तक उन सभी क्लासेस के किसी के भी नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन ये क्लास मैं शुरू कर रही थी तो मैंने ये नोट्स बनवा लिए, लिखवा ली किसी से बुक मैंने, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं बुक्स, मैं अपनी बुक्स लिख रही हूँ तो वो सारा खुद करना। जैसे मैं अभी इन नियर फ्यूचर मेरी अफर्मेशन की बुक आ रही है, रेकी टिप्स की बुक आ रही है, और 114 चक्रा की बुक आ रही है, तो इसलिए मैंने अभी ये लिख ही लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या वो नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक मेरे से सब पूछ चुके हैं और मैं मना कर चुकी हूँ कि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैंने इस बार इसके बना लिए। खैर हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे, 10 नंबर के कार्ड पे। 10 नंबर का कार्ड जो है वो डायमंड का कार्ड है, और वो क्या बता रहा है, फॉर्च्यून फेवर यू, मतलब भाग्य आपके साथ है। फॉर्च्यून फेवर यू मतलब भाग्य आपके साथ है, ये कार्ड आता है। तो इसका मतलब जो आपने पहले भी देखा होगा डायमंड कार्ड, पैसे के बारे में बताता है। बिजनेस ग्रोथ ट्रैवल ऑन दिस कार्ड, मैंने अपने नोट्स रखे भी हुए हैं साथ में, मेरे नोट्स तो इंग्लिश के हैं ये वाले, वैसे जो नोट्स आपको मिलेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। जो मैंने तो इनको सिंबल्स के साथ याद किया हुआ वैसे, कि जैसे ये ईट का, ये तो पैसे का ही कार्ड होता है, और 1 0 10 1 नंबर मतलब क्या होता है, सन, ठीक है, तो सन मतलब भाग्य का कार्ड है, तो ये भाग्य का कार्ड है। तो मैंने इस तरह से करके याद किया हुआ है सारी चीज़ें, और पहले वाले किंग क्वीन में भी मैंने कुछ आपको मैसेज रिलेट करके बताया था। तो जो लोग इन कार्ड्स के अलावा दूसरे कार्ड यूज़ कर रहे हैं, सिंपल कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह से सिंबल बना के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ को अगर बाय हार्ट करो ना तो वो जल्दी हो ही जाती है। खैर तो ये भाग्य का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड जो है भाग्य का कार्ड है, फेवर यू आप, भाग्य आपके साथ देगा, यानी कि देखिए यस भी है इसमें। बिजनेस ग्रोथ होगी, ट्रैवल ऑन दिस कार्ड मतलब कि आप बाहर भी जा सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं, ये काम के सिलसिले में
बिजनेस के लिए, मतलब इतना फैल जाएगा कि आपको टूरिंग करनी पड़ सकती है उसके लिए, तो काम आपका फैलेगा। ट्रैवल का मतलब है काम आपका फैलने वाला है, ठीक है। वैसे डायमंड कार्ड बिजनेस के लिए ज़्यादातर होंगे। दूसरा कार्ड है 10 नंबर, जो स्पैरो कार्ड है। देखिए ये कार्ड्स कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और वो वाले जो टैरो कार्ड है वो एक कार्ड का आधे आधे घंटे का भी हो जाता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते थे। इसलिए जब आप ये सिंबलाइजेशन कर लेते हैं ना, तो ये कार्ड पढ़ना ज़्यादा इजी होता है वैसे। अब हम देखते हैं 10 स्पैरो कार्ड, सॉरी इसको मैं चिड़ी बोलते हैं, हम लोग हिंदी में चिड़ी बोलते थे, क्लब का कार्ड है ये। यहाँ पे देखिए फायर एलिमेंट है और क्लब कार्ड है, और नो का कार्ड है, ये पहले देख चुके हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि विंडफॉल सक्सेस एंड ट्रैवल टू सम फॉरेन प्लेस। आपका जो है, देखिए इसमें भी यही बता रहा था कि जो ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, तो जो ये कार्ड है ये भी सक्सेस बता रहा है कि जीवन में सक्सेस मिलेगी। ट्रैवल टू सम फॉरेन प्लेस, अब इसमें ये था कि ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो इंडिया के इंडिया भी हो सकता है, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं जिस कंट्री में वहीं के वहीं, यानी बिजनेस से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। यहाँ पर फॉरेन प्लेस है, फॉरेन प्लेस का मतलब क्या है कि घूमने भी जा सकते हैं आप लोग, घूमने जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने स्पैरो बोला, इसको स्पैरो कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है, तो विंडफॉल, इससे आप पहला वर्ड आपको याद आ जाएगा तो सारा याद आ जाएगा। विंडफॉल मतलब फॉरेन जाते हैं हम, किस में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, प्लेन कहाँ होता है, हवा में होता है, ठीक है। तो और हवा में कब उड़ते हैं हम, जब हमें सक्सेस मिलती है, हालांकि उड़ना नहीं चाहिए, तो ठीक है। तो मतलब विंडफॉल मतलब कि सक्सेस है, ट्रैवल है, फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में नहीं जा सकते। तो जैसे आप कहें कि बिजनेस इसमें क्या है, ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बिजनेस ग्रोथ होगी, और घूमने फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकता है, और इसमें क्या है, वैसे घूमने जा सकते हैं, ठीक है। फिर है हार्ट का कार्ड, 10 नंबर हार्ट का कार्ड है ना। हार्ट में क्या होता है, खुशी होती है, प्रेम होता है, कहाँ फील होता है, हार्ट में, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, रिश्तों में खुशी मिलेगी, रोमांस बढ़ेगा, और इन द एयर, रोमांस इन एयर मतलब हवा में भी प्रेम होगा। हवा में भी प्रेम का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ में प्रेम में होते हैं तो आपको किसी बात का पूरा नहीं लगता, कोई बात, वो प्रेम रोमांटिक प्रेम हो सकता है, भगवान का प्रेम हो सकता है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम हो सकता है। तो ये जो है रोमांस इन एयर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप प्रेम भावना में आ जाएंगे, यानी कि आपका मन जो है वो उसमें से जेलसी ख़त्म हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र हील हो, ये भी हो सकता है। जब हार्ट चक्र हील होता है उसका मतलब भी यही है कि आपको सब जगह प्रेम ही प्रेम दिख रहा है, ना तो किसी की बात बुरी लग रही है ना कुछ, तो लक इज़ इन योर फेवर, जो किस्मत में किस्मत आपके साथ है, मतलब अच्छा हो बुरा हो कुछ भी आपको बुरा महसूस नहीं होने वाला, आप प्रेम में ही रहने वाले हैं। फिर है एयर का कार्ड, एयर एलिमेंट है, ठीक है। देखिए एलिमेंट में और स्पैरो में कंफ्यूज नहीं होना है, मिसफॉर्च्यून स्पेड के कार्ड है ही मिसफॉर्च्यून के, तो कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, यानी कि आप यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य वो आपका थोड़ा धीरा चल रहा है, यहाँ पर ऐसा आता है, तो आप ये सलाह भी दे सकते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाएं, अपने सन चक्र को हील कीजिए, ये सलाह आप दे सकते हैं। वैसे मेरे एक एंजल कार्ड हैं और सुटेबल थेरेपी के भी कार्ड हैं, अगर आप चाहें मंत्रों के कार्ड हैं उनसे भी आप, वो चारों कार्ड भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं जो आपसे रीडिंग लेने आते हैं, क्योंकि जब हम रीडिंग देते हैं ना, तो रीडिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, क्योंकि कोई आपसे सिर्फ ये जान के नहीं जाना चाहता कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन भी चाहता है। तो वो सॉल्यूशन के लिए मैंने कार्ड्स बनाए, मैंने 5 कार्ड हीलर्स के लिए और टैरो रीडर्स के लिए स्पेशली बनाए हैं, वो भी आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा, माई ड्रीम करके है, मुझे पूरा नाम भी ध्यान नहीं है, माई कार्ड माई ड्रीम ऐसा करके कुछ है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं 9 नंबर के कार्ड्स पे। 9 नंबर के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, 9 नंबर के कार्ड
अब हम पहले देख लेते हैं 9 नंबर के कार्ड में। जो 9 नंबर है सिर्फ स्पेड का कार्ड जो है वो 9 है। 9 नंबर कंप्लीशन का कार्ड होता है कि कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है। यस, वो चीज़ कंप्लीट हो रही है, मतलब बैड सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो अब आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो स्पेड है, स्पेड स्पेड जो है वो नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो मतलब सर्कल कंप्लीट होने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। तो नो, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, नो। बाकी 9 नंबर सब यस बोल रहे हैं, ठीक है। अब है 9 नंबर में ये डायमंड का कार्ड देखते हैं। डायमंड बिजनेस, बिजनेस जैसा कि हमने पैसे से रिलेटेड बात की, बिजनेस विल फ्लोरिश, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। विंडफॉल और अदर मनी रिलेटिव गुड न्यूज़, मतलब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। जैसे कई लोगों को होता है ना कि हमको काम शुरू करना है, पैसा नहीं मिल रहा, तो गुड न्यूज़ मिलेगी, मतलब पैसा मिल आ जाएगा आपके पास। बिजनेस बढ़ाना है, पैसा नहीं मिल रहा, आएगा आपके पास, पैसा मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगी पैसे से रिलेटेड। कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो नहीं मिल रहा है, कोई देना था किसी ने दे नहीं रखा, मतलब बैड डेब्ट्स हो जाते हैं जैसे, तो वो पैसा आपको मिलेगा। तो ये है बिजनेस में फ्लोरिश हो जाएगी, मतलब आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है, अच्छा टाइम आ गया है बिजनेस का, काम का। अब मान लीजिए कोई ऐसा आता है जो बिजनेस नहीं करता, जॉब करता है, मतलब प्रमोशन का टाइम हो सकता है, ठीक है। इस ये कार्ड आए तो मतलब प्रमोशन के बारे में भी पूछ सकता है इंसान। बिजनेस का फैलना, बिजनेस का अच्छा होना एक प्रमोशन ही है ना, तो जॉब में प्रमोशन, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, तो ठीक है उसके बारे में भी हो सकता है कि हाँ अब आपकी जॉब लगेगी। फिर है, अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मनी प्रॉब्लम में हों, तो उनको ये भी बताना कि आपके जो मनी इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले हैं, इस तरह से ये सिंबल बताता है। फिर है ये क्लब का कार्ड, फायर कार्ड, 9 नंबर, सक्सेस इन करियर। फिर वही बात आ जाती है कि हम एयर में आ जाते हैं। 9, आपको जो है सक्सेस इन केयर करियर, करियर में आपके, मतलब ये क्या था कि जो जॉब लगी हुई है, बिजनेस चल रहा है, उसमें सक्सेस मिलेगी। ये क्या है, करियर का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में करियर क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा करियर एज अ करियर में क्या लेना चाहती हूँ, तो मतलब जो फ्यूचर की बात कर रहा है ये, ठीक है। सक्सेस मिलेगी करियर में, और मतलब अच्छा है फ्यूचर। जैसे कई लोग अपने बच्चों के लिए पूछते हैं ना कि ये क्या करेगा, इसका करियर कैसा है, ये किस चीज़ में जाएगा, ऐसे फालतू काम में जिसमें रिस्पेक्ट नहीं हो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है कि सक्सेस है करियर में, जिस करियर में जाएगा उसमें सफलता मिलेगी। कई लोग, कई बार क्या होता है, हम लोग गलत चीज़ चूज़ कर लेते हैं, हमें वो चीज़ चूज़ नहीं करनी चाहिए एज अ अपने प्रोफेशन के लिए। तो जब हम ऐसी किसी चीज़ को ले लेते हैं तो हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी मैच नहीं होती। अगर ये कार्ड आता है तो मतलब ये पर्सन वही चीज़ चूज़ करेगा एज अ करियर जिसमें उसकी एनर्जी मैच होती है। अब जैसे मेरा जो नंबर है वो 7 नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, तो मेरा जो करियर है वो इस काम में है। पहले मैं टीचर थी, तो टीचर, मैं अकाउंट्स की टीचर थी, तो टीचिंग में भी मेरा अच्छा था, क्योंकि मेरा जो 3 नंबर है वो भी टीचिंग से रिलेटेड, मतलब मेरा जो नंबर जिसे प्राइम नंबर कहते हैं वो 3 है और लाइफ पाथ नंबर 7 है, तो दोनों नंबर के अकॉर्डिंग मेरा काम हुआ। तो एज अ टीचर मैं तब भी बहुत अच्छे से थी, मैं बहुत अच्छी ट्यूशंस पढ़ाती थी, सब कुछ अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा था तब भी। फिर जब मैंने इसमें आई, स्पिरिचुअल नंबर और मेरा प्राइम नंबर दोनों मिल गए, और वो टीचर और ये दोनों मिल गए, तो और भी सक्सेस हो गया। तो इस काम में मेरी एनर्जी मिल रही है, तो मुझे सक्सेस मिल रही है, करियर जो है वो मेरा अच्छा जा रहा है। ओके, बीच में कॉल आ गया था ज़रूरी, तो हाँ हम यहाँ देख रहे थे सक्सेस इन करियर, ठीक है। तो ये जो है आगे जो काम करेगा वो उसमें सक्सेस मिलेगी उसको, जो भी काम ये चूज़ करेगा। जैसे कई लोग आते हैं ना कि बिजनेस करें या फिर जॉब करें, ठीक है, इस टाइप का, तो वो बिज़नेस चूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं जॉब करें, तो मतलब कि एट दी लास्ट वो वही चीज़ चूज़ करेगा जो उसकी एनर्जी मैच होती होगी, जो उसको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या कह रहा है कि न्यू लवर ऑन द चार्ट, मतलब कि
सक्सेस जो है बिजनेस में तो मिल ही रही है, लव रिलेशन में भी सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी लव रिलेशन में भी, ठीक है। और इसमें जो है बी ओपन एंड कीप द ईगो अवे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पर्सन को, क्योंकि सब जगह से सक्सेस मिल रही है, थोड़ी ईगो आ सकती है, तो ईगो को दूर रखें, ये एक वार्निंग दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है स्पेड का कार्ड, बैड लक, देखिए किसी से स्पेड मैंने बोला पहले ही नेगेटिव कार्ड है, बैड लक इज ऑन द वे, एनिमी विशेस कम ट्रू, मतलब दुश्मनों की जो इच्छा है आपके प्रति वो सक्सेस हो सकती है, और जो बैड लक है अभी थोड़े दिन हार्ड चलने वाली है, एकदम से क्लियर ऐसी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए उनको, लेकिन इसमें सॉल्यूशन ज़रूर दें उनको, कुछ भी बताइए उन्हें, उनको देखिए वो क्या क्या कर सकते हैं, तो बैड लक है, दुश्मन जीतने वाले हैं, इस तरह की जो चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ करेंगे दुश्मन, लेकिन हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसा ही हो जाता है ना कि दूसरा इंसान जो चाहता है वो हो जाता है, या फिर इसमें आप नज़र भी लगना बोल सकते हैं कि नज़र लगी है आपको, अगर ये कार्ड आ जाता है तो मैजिक, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। फिर है हार्ट का कार्ड, दिल, सपने, 9 नंबर, ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब कुछ जो सपने देखे हैं वो सच होने वाले हैं, डिज़ायर्ड रिलेशनशिप और लवर विल कम योर वे, मतलब जैसा चाहते थे आप वैसा ही पार्टनर, जैसे मैरिज के लिए कई पूछते हैं तो वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा, या फिर लव रिलेशन में हैं आप, मैरिज में हैं, तो अब वैसी लाइफ आपकी होने वाली है जैसी आप चाहते थे, अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलेशनशिप में तो वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके सपने सब सब सच होने वाले हैं, भले वो रिलेशनशिप में हों, समाज में हों, और जो स्पिरिचुअलिटी में हों, जिस भी चीज़ में आप सफलता चाह रहे थे मिल नहीं रही थी अब मिलेगी, तो आपके सपने सच होने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोग मेरी ये क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी कुछ वीडियोस तो मेरी बन चुकी होंगी, तो ये देखिए जो वीडियो बन चुकी होती हैं उनको मैं नीचे डाल देती हूँ, ये फ्रंट पेज भी आपको दिखा देती हूँ इसका, तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो भी दे सकते हैं कि थोड़ा एक्सप्लेन, क्योंकि ये वाले कार्ड्स में तो एक्सप्लेन इतना नहीं होगा, टैरो कार्ड में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, हो सकता है कुछ वो देखकर यहाँ आए हों तो फिर उनको वो हो रहा हो, क्योंकि इन कार्ड्स में इतने ज़्यादा सिंबल्स नहीं होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।